है ना। सो मेल मच, सो मेल मच में क्या होगा, लेटर तो एक ही होगा लेकिन एड्रेस तो डिफरेंट डिफरेंट चेंज होगा। ओके, मतलब फॉर एग्जाम्पल, सो एक SBI बैंक पोस्ट के लिए 300 मेंबर्स एग्जाम दिया है, उनको कॉल लेटर सेंड करेगा, बैंक क्या करेगा, कॉल लेटर सेंड करेगा। तो सारे आदमी के कॉल लेटर में मैटर एक ही रहेगा लेकिन एड्रेसेस से डिफरेंट होगा। ओके, मतलब एक ही लेटर रहना है, मैटर एक ही रहना है, एड्रेस अलग अलग होना चाहिए। तो अगर उस तरह डिजाइन करना है, हम लोग क्या करना पड़ेगा, एमएस वर्ड में लेटर डिजाइन करना पड़ेगा और नीचे उसको अलग पर्सन के लिए पब्लिश करना है, एड्रेस चेंज करना है, फिर भी थर्ड लेटर डिजाइन करना पड़ेगा, सेम मैटर पब्लिश करना है, एड्रेस चेंज करना है। इस तरह 100 पीपल्स को अगर सेंड करना है तो थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन इसमें क्या है, इजी। ओके, सो गवर्नमेंट पोस्ट में जहां पर भी जॉब करना है, इनकेस आप लोग लेटर अगर पोस्ट करना है तो आपको मेलिंग यूज होगा, नहीं तो यूज नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या होना चाहिए, सो एक लेटर प्रिपेयर करना है, सिंपल। सो मैटर एक ही रहेगा लेकिन एड्रेसेस डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस होना चाहिए, उसके लिए तो मेलिंग यूज करना है। तो पहले एक मैटर होना चाहिए, तो मैटर मेलिंग का मैटर मैंने यहाँ पे दिया है, देखो अपॉइंटमेंट लेटर विद टर्म्स एंड कंडीशंस बोलकर मैंने एक मैटर डिजाइन किए थे। ये मैटर सो मिनिमम 100 मेंबर को सेंड करना है, मतलब लेटर से डिजाइन करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मैटर को इस तरह, मैटर जो है वो मैटर आप यहाँ पे डिजाइन करना है, यहाँ पे डिजाइन करना है। तो ठीक है, आपको मैटर डिजाइन करने के लिए टाइम लगेगा, ऐसे सोचेगा आप। तो एक डमी मैटर हम डिजाइन करेंगे, तो डमी मैटर हम कैसे डिजाइन करेंगे, डमी मैटर डिजाइन करना चाहते हो तो पहले हेडिंग को डिजाइन करो। हेडिंग डिजाइन करने के बाद पता है आपको इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद एंड यहाँ पे डेट एंड टाइम पे जाने से आपको डेट एंड टाइम आपको मिल जाएगा। तो ये मुझे राइट साइड में चाहिए, तो होम मेनू राइट साइड में क्लिक कर दीजिए, हो गया। देन इसके बाद में लेफ्ट को आ जाना है, लेफ्ट में क्लिक करो एंड यहाँ पे टू टू बोलकर मुझे यहाँ पे मैटर चाहिए। ओके, मैटर हमारे पास नहीं है, एक डमी मैटर हम डिजाइन करेंगे। रैंड एंड 3 पैराग्राफ्स का मैंने डेटा दिया है, नहीं तो 2 पैराग्राफ्स दिया है, तो आप थिंक करो दिस इज द मैटर, समझ रहे हो। एंड इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करने, कंट्रोल जे करना है। कंट्रोल जे करने के बाद ये तो पैराग्राफ मॉडल में चाहिए, ये टॉप वाला आप ऐसे मूव करो तो आपको पैराग्राफ मॉडल में आ जाएगा। तो मैटर तो रेडी हो गया एंड यहाँ पे डायरेक्टली यूएस फैथफुली, ओके यूएस फैथफुली सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नहीं तो SBI, व्हाट एवर इट मे बी, ओके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलकर मैंने कुछ दिया है। देन ये तो मुझे राइट साइड चाहिए, जस्ट राइट साइड में क्लिक करो, राइट साइड हो जाएगा, दिस इज द मैटर, मैटर तो यही है। तो ठीक है, कर्सर टू का पास में होल्ड करो। देन देखो मैंने टॉप में दिया है आफ्टर प्रिपेयर लेटर, मतलब पहले लेटर होना चाहिए, पहले लेटर होना चाहिए। आफ्टर प्रिपेयर लेटर क्लिक ऑन मेलिंग एंड क्लिक ऑन स्टार्ट मेल मच एंड क्लिक ऑन सेलेक्ट लेटर्स, देन क्लिक ऑन सेलेक्ट रिसिपिएंट, देन मैंने जो जो स्टेप्स दिया है वो स्टेप्स आप फॉलो करना पड़ेगा। तो ठीक है, बताइए फर्स्ट कौन सा स्टेप फॉलो करना है, गो टू मेलिंग। देखो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी हाईलाइट नहीं हो रहा है, क्लियर। तो ठीक है, फर्स्ट क्लिक ऑन मेलिंग एंड क्लिक ऑन स्टार्ट मेल मच, देन यहाँ पे सेलेक्ट लेटर्स में क्लिक करने के लिए बताया, लेटर्स में क्लिक करो। क्लिक करने के बाद एंड साइड को आ जाइए, साइड को आने के बाद सेलेक्ट रिसिपिएंट में टाइप ए न्यू लिस्ट में क्लिक करने के लिए रहता है, क्लियर ना। इसमें क्लिक करने के बाद आपको इस तरह आएगा, सो एक लेटर पोस्ट करने के लिए क्या क्या फील्ड नेम्स, मतलब एड्रेस डिटेल्स क्या क्या चाहिए, तो सारे यहाँ पे दिया है, तो सारे यहाँ पे दिया है। ओके, अगर इससे कुछ रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव कर सकते हैं, तो रिमूव करना है कस्टमाइज कॉलम पे जाने के लिए बताया था, कस्टमाइज कॉलम। ओके, इफ यू वांट टू डिलीट और ऐड एनी कॉलम देन क्लिक ऑन कस्टमाइज, कस्टमाइज कॉलम में क्लिक करो, इस तरफ आएगा तो मुझे टाइटल ओके, फर्स्ट नेम ओके, लास्ट नेम भी ओके, कंपनी नेम मुझे जरूरत नहीं है, डिलीट कर दो, डिलीट यस। एड्रेस वन ओके, एड्रेस टू जरूरत नहीं है, डिलीट ओके। सिटी स्टेट ये तो पिन कोड चाहिए, जस्ट रीनेम चेंज करना है, देन यहाँ पे आप पिन कोड बोलकर दे दीजिए, पिन कोड एडिट हो जाएगा। देखो एडिट हो गया, कंट्री रीजन
जरूरत नहीं है, एंड होम फोन जरूरत नहीं है, देन इसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ मोबाइल, सो रीनेम। ओके मोबाइल सेलफोन आपका मर्जी, मोबाइल चेंज हो गया, सो मेल एड्रेस, मेल एड्रेस, सो ठीक है बस इतना ही तो मुझे चाहिए। एंड ये सारे होने के बाद जस्ट आप ओके करना है, ओके करने के बाद ये सारे चेंज हो जाएगा, सो आम जो दिया है उससे वो वाला रिप्लेस हो जाएगा। देखो रिप्लेस हो गया टाइटल। सो फॉर एग्जाम्पल अभी हम कितना मेंबर्स को लेटर पोस्ट करना है, कितना मेंबर्स को कॉल लेटर सेंड करना है, वो कॉल लेटर एड्रेस आपके पास कितना एड्रेसेस है वो एड्रेसेस यहाँ पे देना। फॉर एग्जाम्पल सी एच राधा रानी बोलकर मैंने दिया, इनके सर फर्स्ट नेम नहीं है, लास्ट नेम नहीं है, नहीं रहेगा तो छोड़ दीजिए वो कॉलम, नो प्रॉब्लम। ठीक है देन एड्रेस, तो फॉर एग्जाम्पल न्यू कॉलोनी, न्यू कॉलोनी, ओके देन सिटी रायगढ़, रायगढ़ देन स्टेट ओडिशा। मतलब यहाँ पे एड्रेस कुछ भूल होने का चांस है क्या? नहीं है बिल्कुल, वो एक एक तो पूछ रहा है, हम एक एक तो दे रहा है, बिल्कुल कुछ भी छोड़ने का चांसेस तो नहीं है, यही तो इसमें एडवांटेज। पिन कोड 765001, देन मोबाइल नंबर, सो एक फेक नंबर, कुछ फेक नंबर मैंने इस तरह इनपुट किया है, देन मेल एड्रेस, ओके राधा रानी एट द रेट ऑफ जीमेल डॉट कॉम, बस देन टैप, टैप करने से और नीचे आ जाएगा। ओके देन सो डी सुरेश कृष्णा, क्लियर। एंड ए तो एरिया गौतम नगर, गौतम नगर, ओके एंड रायगढ़ नहीं तो आंध्र प्रदेश, आंध्र, ओके अच्छा ओ रायगढ़ एरिया ना, एरिया विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, ओके एंड आंध्र प्रदेश, आंध्र एंड 08675 3 एंड सब फोन नंबर मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, देन कृष्णा एट द रेट ऑफ याहू डॉट कॉम, ऐसे उसका मेल एड्रेस जो है वो एड्रेस मैंने दे दिया। फॉर एग्जाम्पल एंड आर रविका, रविका सो बीसी रोड, बीसी रोड जेकेपुर, जेकेपुर ऑल्सो ओडिशा, देन पिन कोड 765002, देन फोन नंबर, तो सम फोन नंबर मैं तो दे दिए देने के बाद, एंड क्या नाम दिए, रविकांत, सो रविकांत। सो आप ऑब्जर्व कीजिए मेल एड्रेस जो है वो स्मॉल लेटर में रहेगा, कैपिटल लेटर में नहीं रहेगा, क्लियर ना। तो इस तरफ आप 100 मेंबर होगा तो 100 मेंबर का देना है, बस इससे ज्यादा नहीं है, बस इसका बाद में आप क्या करना है ओके करना है। ओके करने से क्या होगा, ये डेटा सेव करने के लिए, एड्रेस लिस्ट सेव करने के लिए वो एक फाइल नेम पूछेगा, वो फाइल नेम आप देना, क्लियर ना। तो ठीक है ट्रिपल आर बोलकर मैंने एक फाइल नेम दिया था, कौन सा ट्रिपल आर, तो इसको सेव करने के बाद ये रिमेनिंग जो है वो सारे मुझे शो होगा, क्लियर ना, शो हो जाएगा। तो शो होने के बाद कुछ भी अगर एड्रेस में कुछ गलती हो गया, कुछ मॉडिफिकेशन करना है, आप एडिट रिसिपिएंट लिस्ट में जाना पड़ेगा, देन ट्रिपल आर में क्लिक करना है, एडिट करना है, एडिट करने के बाद जहां पे कुछ चेंज करना है वहां पे चेंज करना, 9988776655 मैंने चेंज किया है, ओके यस करो, चेंज हुआ, चेंज हुआ कि नहीं चेक करो, 9988776655। सो कुछ भी चेंजिंग करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, एडिट में जाना है, एडिट में जाने से आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज क्लियर। देन बस यहाँ तक तो मैंने किताब में भी उतना ही दिया है। देखो सेलेक्ट, पहले मेलिंग में क्लिक करने के लिए बताया, स्टार्ट मेल मैच एंड सेलेक्ट लेटर्स एंड सेलेक्ट रिसिपिएंट, ओके सेलेक्ट रिसिपिएंट में मतलब ये वाला
रिसिपिएंट में क्लिक करने के लिए बताया, टाइप इन न्यू लिस्ट में क्लिक करने के लिए बताया था, हो गया। एंड इफ यू वांट टू डिलीट एनी कॉलम एंड कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करने के लिए बताया था, एंड डिलीट एंड विच वन यू डोंट वांट, आपको जो जरूरत नहीं है तो डिलीट करो, एड भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। रीनेम, हम रीनेम किया ना, ओके, फोन नंबर चेंज किए थे और कुछ भी मैंने चेंज किया था, एक्स्ट्रा देन ओके। नाउ इनसेट एड्रेसेस डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट का एड्रेसेस हम देना पड़ेगा। नाउ क्लिक ऑन सेव एंड वहां पे एक फाइल नेम दिया है, ट्रिबल आर बोलकर मैंने वहां पे दिया है, यहाँ पे त्रिमला बोलकर एक फाइल नेम दिया है, बस ओके। यहाँ तक तो क्लियर ना। नाउ इनसेट मैच फील्ड, यहाँ से फंडिंग करना है, वो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा इनसेट मैच फील्ड। इनसेट मर्ज फील्ड देने का पहले देखो, लोकल में अगर पोस्ट करना है एड्रेस ब्लॉक, एक एड्रेस ब्लॉक देने से आपको आर रविकांत बीसी रोड जेकेपुर ओडिशा, बस इतना ही आएगा। एड्रेस क्या देना पड़ेगा, एड्रेस ब्लॉक देने से बस। ये कहाँ डिस्प्ले होगा, देखो प्रीव्यू रिजल्ट में देखने से आपको डिस्प्ले होगा, हो रहा है ना, फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर सेकेंड लेटर फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर सेकेंड लेटर हार्डर, देखो ऑटोमेटिकली आ जा रहा है कि नहीं। तो ठीक है, मुझे एड्रेस ब्लॉक जरूरत नहीं है, सेलेक्ट देन डिलीट, मैंने डिलीट कर दिया। देन ग्रीटिंग लाइन, ग्रीटिंग लाइन पे क्या रहते हैं, डायरेक्टली मिस्टर इस तरह आएगा, ओके मिस्टर आर काम, हम कुछ तो नहीं दिया ना, ओके अगर इस तरफ चाहिए सो ग्रीटिंग लाइन कहते हैं, ग्रीटिंग लाइन देखना है सो आर काम, ओके डी कृष्णा, ऐसे शॉर्ट फॉर्म पे रेस्पेक्टेड जो है वो ग्रीटिंग लाइन जो है वो ग्रीटिंग लाइन आपको आ जाएगा, ये तो क्लियर। ग्रीटिंग लाइन का नीचे तो ठीक है, और सारे एड्रेसेस चाहिए तो इनसेट मर्ज फील्ड में जाना है, हम कितना दिया है वो सारे यहाँ पे रहेगा। टाइटल स्पेस फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम, तीनों मिला के आएगा, आप देख सकते हैं, देख सी एच राधा रानी आ रहा है ना, ओके देन एंटर एंड इसके बाद में एड्रेस एंटर, देन इसके बाद में सिटी एंटर, देन इसके बाद में स्टेट स्पेस बार एंड पिन कोड, देन एंटर, देन इसके बाद में मोबाइल नंबर एंटर, देन इसके बाद में ईमेल एड्रेस, बस हो गया, क्लियर ना। होने के बाद अगर चेक करना है, कहाँ क्लिक करने के लिए बताया, प्रीव्यू रिजल्ट में देख सकते हैं, देखो हमको फर्स्ट वाला राधा रानी न्यू कॉलोनी रायगढ़ उड़ीसा फोन नंबर मेल एड्रेस एंड डी ए सी एच रानी, सो मैटर जो है मैटर आएगा डायरेक्टली, एक लेटर को डिजाइन हो गया है, एक लेटर ऑटोमेटिकली डिजाइन हो गया। अभी थ्री लेटर हम प्रिंट करना है ना, थ्री लेटर हमें प्रिंट करना है, फर्स्ट लेटर का ठीक है, सेकेंड लेटर चाहिए नेक्स्ट क्लिक करो, क्लियर ना, सो मैटर को चेंज हुआ क्या, नहीं है, एंड थर्ड लेटर क्लिक करो, सो मैटर तो सेम लेकिन एड्रेस आपको ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। फाइनली इसको प्रिंट करना है एंड फिनिश मर्ज में जाना पड़ेगा, लेटर सब यहाँ पे चेक किया है आ रहा कि नहीं, यहाँ पे चेक किया है, अभी प्रिंट करना है, फिनिश एंड मर्ज में जाना है, देन प्रिंट डॉक्यूमेंट में जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, प्रिंट डॉक्यूमेंट, प्रिंट डॉक्यूमेंट ऑल में क्लिक करो, अगेन ऑल में क्लिक करो, देन यहाँ पे एक्चुअली बाय डिफॉल्ट वही रहेगा, सेंड टू वन नोट बुक पर रहता है आपको, प्रिंटर तो प्रिंटर हम लोड नहीं किया ना, ओके प्रिंटर रहेगा तो प्रिंटर आएगा, देखो मेरा प्रिंटर लोड हुआ है इसीलिए प्रिंटर शो कर रहा है, तुमको होगा तो आपको प्रिंटर कुछ भी शो नहीं होगा, इस तरफ डायरेक्टली रहेगा, आप ओके करो तो आपको प्रीव्यू कैसे प्रिंट हो रहा है, आपको एक प्रीव्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगा, एक प्रीव्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगा, मुझे तो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, आपको तो डायरेक्टली डिस्प्ले हो जाएगा, ऑल में क्लिक करो, ऑल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेंड टू वन नोट, सेंड टू वन नोट यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक ये तो बाय डिफॉल्ट रहेगा तुमको, ओके करो, ओके करने से आपको इस तरफ आ जाएगा, देखो एन नीचे आ रहा है ना, इसमें क्लिक करो, ऑब्जर्व करो, फर्स्ट लेटर क्लियर, सेकेंड लेटर पे प्रिंट हो गया तो क्लियर, थर्ड लेटर को प्रिंट हो गया, इस तरह 100 मेंबर को प्रिंट आउट करना है, फटाफट फटाफट प्रिंट हो जाएगा। अगर वो ये बिना प्रोसेस, ये प्रोसेस छोड़ के आप यहाँ पे एक आदमी का डिजाइन किया है,
एंड इसको हम कॉपी किए। कॉपी करने के बाद फिर भी नेक्स्ट पेपर में गए थे, नेक्स्ट पेपर में जाने के बाद पेस्ट किए, पेस्ट करने के बाद फिर भी एड्रेस हम चेंज करना पड़ेगा। इस तरह करने से कितना टाइम लगेगा? बहुत सारे टाइम लगेगा। फिर भी कहां पर भी चेंज करना भूल जाएगा तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। और एड्रेस चेंज करना भूल जाएगा तो लेटर मिसमैच हो जाएगा, उसको नहीं पहुंचेगा। अगर फादर नेम चेंज करा नहीं करेगा तो इसका फादर उसका फादर एक ही फादर हो जाएगा, तब और बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो इसीलिए कॉपी पेस्ट नहीं करना है इन दिस सिचुएशन। इस तरफ अगर डिजाइन करना है तो मेल मैच में करने से क्या होगा, आराम से आपका डिजाइन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया ना? ओके, सो वेरी सिंपल। रिमेनिंग स्टेप्स जो भी है मैंने वहां पे दिया है, रिमेनिंग स्टेप्स, एंड यहाँ तक तो आ गया। एंड मर्ज फील्ड इंसर्ट करने के लिए बताया था, देन इसके बाद में प्रीव्यू रिजल्ट में क्लिक करने के लिए बताया। प्रीव्यू रिजल्ट मतलब ये वाला, इसमें क्लिक करने के लिए बताया। इसके बाद में नेक्स्ट रिकॉर्ड चेक करने के लिए बताया यहाँ पे। एंड इसके बाद में फिनिशर मर्ज में जाने के लिए बताया, वहां पे ऑल में क्लिक करो, अगेन ऑल में क्लिक करो, देन ओके करो। वेरी सिंपल। अगर इसको एड्रेस अगर हाईलाइट करना है, वेरी सिंपल, एंड हाईलाइट 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 करो, हाईलाइट बस यहाँ क्लिक करना है, नहीं तो नहीं आएगा। प्रीव्यू चाहिए, क्लिक करेगा तो आएगा। तो थ्री एड्रेस आ रहा है कि नहीं आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिनिशर मर्ज में जाना है, प्रिंट करना है, ओके करना है, ओके करना है, बस आराम से थ्री लेटर्स आपको आराम। ये तो प्रीव्यू मतलब प्रिंट आउट करेगा तो मैं प्रिंटर देने से प्रिंटर प्रिंटर में आ जाएगा। सो मुझे प्रीव्यू आराम से आया कि नहीं, मुझे डायरेक्टली इस तरह देख सकते हैं। आपको ये पोस्ट में कैसे आएगा? देखो ये वाला एड्रेस जो है वो कवर से बाहर आपको डिस्प्ले होगा। एसबीआई से कुछ आएगा तो आपको पता चलता है, पता है ना? एटीएम कार्ड कुछ आएगा तो डिस्प्ले, ये तो डिस्प्ले में रहेगा, ये डाटा इनसाइड में रहेगा। क्लियर? तो दिस इज द प्रिंट आउट लेटर्स, डायरेक्टली प्रिंट, लिखना नहीं है, डायरेक्टली प्रिंट होके आएगा, कंप्लीटली लेटर प्रिंट होके आएगा। क्लियर ना? इस तरफ बैंक वाला डिजाइन करेंगे, जो भी होगा बैंक में अगर जॉब करेगा तो इस तरफ वाला करना पड़ेगा। एटीएम कार्ड जब इश्यू होगा इस तरह मैटर डिजाइन करना पड़ेगा। अगर एलआईसी में काम करेगा तो एलआईसी जो होगा, बांड जो होगा, उसके लिए तो करना पड़ेगा। तो सारे ये मेलिंग का प्रोसेस से भी करता है। तो वेरी क्लियर? एनी डाउट? ये बार बार क्लास करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक स्टार्टिंग से प्रोसीजर है, मिडिल में दिखाने के लिए नहीं होगा। पहले यहाँ पे जाना पड़ेगा, इसके बाद में यहाँ पे जाना पड़ेगा, इसके बाद में यहाँ पे जाना पड़ेगा, इसके बाद में यहाँ पे जाना है। ग्रीटिंग लाइन ये वाला ना, ग्रीटिंग लाइन के लिए वहां जा गए थे तो सारे इंसेक्ट करने के लिए यहाँ पे गए थे। इसके बाद में प्रीव्यू रिजल्ट चेक करने के लिए यहाँ पे गए थे, नेक्स्ट नेक्स्ट चेक करने के लिए यहाँ पे गए थे। फाइनली मतलब एक प्रोसेस में आ रहा है, मिडिल में कुछ डाउट आएगा तो क्लैरिफिकेशन नहीं होगा, स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। मैंने पहले से ही बताया, अब तो रेफरेंस तक आपको मेटल के लिए होगा, ये कम्प्लीटली डिफरेंट रहता है बोलकर मैंने बताया था। ओके, इसके लिए फिजिकल टू रैंड, सो अलाइनमेंट कुछ भी कहाँ पे हम नहीं किया है, लेकिन वो तो यूज हुआ। अंडरलाइन यूज किए, राइट साइड यूज किए थे, मैटर अलाइनमेंट जस्ट पे किया है, राइट साइड, वो सारे तो नॉर्मल, लेकिन कंप्लीटली ये डिफरेंट है, क्लास कंप्लीटली डिफरेंट है। इन केस समटाइम्स 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 में क्या होगा, आपको एनवलप, एनवलप मतलब क्या है, कवर का ऊपर प्रिंट आते हैं ना, कवर के ऊपर, सो प्रिंटेड कवर्स अगर डिजाइन करना है ये एनवलप में जाना पड़ेगा। सो किसी का एनवलप कार्ड अगर डिजाइन करना है, किसको आप डिलीवरी देना चाहता है वो उसका एड्रेस यहाँ पे देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका एड्रेस मुझे कवर में चाहिए, इसका एड्रेस कंट्रोल सी कॉपी किए, कॉपी करने के बाद एनवलप में क्लिक करो, वो एड्रेस मैंने यहाँ पे पेस्ट कर। अगर ये एड्रेस को नहीं पहुंचेगा तो सो रिटर्न एड्रेस को आ जाना है कि नहीं? ओके, रिटर्न एड्रेस को आना है, साई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन रायगढ़ ब्रांच, रायगढ़ ब्रांच, देन फोन नंबर सो एंड सो, मैंने कुछ नंबर दे दिए बस। अभी मैं प्रिंट करेगा तो क्या होगा, सेम कवर में आपको पहले कवर प्रिंट होगा, मतलब कि पेपर प्रिंट होगा, इसके बाद में उसको कवर डिजाइन करना है।
डायरेक्टली कवर प्रिंट नहीं होगा, समझ में रहे तो? पहले पेपर में एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, उसको कवर, देखो रिटर्न एड्रेस यहाँ पे आएगा और ये वाला एड्रेस यहाँ पे आएगा, तो प्रिंट करना है, प्रिंट करके आप देख सकते हैं, देख सकते हैं। सो यस करने से आपको प्रिंट आउट देखो आपको इस तरह आ जाएगा, रिटर्न एड्रेस एंड कवर एड्रेस डायरेक्टली प्रिंट आउट हो जाएगा। पेपर में प्रिंट हुआ ना, ये खाली गैप जो है ये वाला नीचे वाला फोल्ड करके लंबी करना है, समझ में आ रहा है? तो ये वाला एनवलप कवर्स कहते हैं, एनवलप कवर्स भी हम डिजाइन कर सकते हैं, क्लियर? ओके, और एक तो है एंड लेबल्स। एक्चुअली लेबल का कॉन्सेप्ट क्या है, ये लेबल का कॉन्सेप्ट क्या होगा, फॉर एग्जांपल डबल टू सम, देखो लेबल्स, आपको कपड़ा शोरूम पे जाएगा तो आपको लेबल्स लगाते हैं, गिफ्ट कॉर्नर में जाएगा तो वहां पर भी लेबल्स लगाते हैं, मतलब एक एक बंच, एक बंच के लिए अलग प्राइस चाहिए, अलग मटेरियल के लिए अलग प्राइस चाहिए। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सो 400 रुपीज बोलकर मैंने दिया है, 400 रुपीज ये मुझे, देखो मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट करने से ऑप्शंस में जाइए, ऑप्शंस में जाने के बाद 30 पर पेज चाहिए, ओके करो, ओके करने के बाद प्रिंट मारो, प्रिंट करने से आपको ऑटोमेटिकली एक पेपर में 30 लेबल्स आपको प्रिंट मिल जाएगा। ओके, स्टिकरिंग, स्टिकर्स कहते हैं उसको, कट करके वो लेबल जो है वो लेबल्स आप वहां पे लगाना पड़ेगा, मतलब आपको पब्लिश करना है, सेम मेजरमेंट नहीं आएगा, समझ में आ रहा है? तो स्वेटर विद इन सेकेंड्स में हो गया, विद इन सेकेंड्स में हो गया, फिर भी दिखा रहा हूँ, तो लेबल्स में जाना पड़ेगा। सो यहाँ पे एनी वन 1000 रुपीज, ये तो एक फोन नंबर दे रहा हूँ, फोन नंबर गलती हो गया, वहां पे फोन नंबर आप अटैच करना है, एक फोन नंबर, ठीक है? प्रिंट में जाइए, प्रिंट में जाने से आपको सेम फोन नंबर आपको टाइप विद इन सेकंड्स में हो गया। किताब में कहाँ कहाँ गलती हो गया, तो स्टिकर निकाल के वहां पे हम लगाना पड़ेगा, मतलब पेन से करने से अच्छा नहीं लगता है कि नहीं, स्टिकरिंग करने से थोड़ा अच्छा दिखता है। वेडिंग कार्ड्स ऑलरेडी प्रिंट हो गया, वहां पे फोन नंबर और रॉन्ग हो गया, तो क्या करेंगे, उसको व्हाइट मार्कर डाल के फिर भी ये लिखेंगे क्या? तो कार्ड्स वेस्ट हो गया, दैट टाइम इस तरह लेबल्स डिजाइन करके वहां पे स्टिकरिंग करता है बेटर, तो कार्ड्स वेस्ट हो जाएगा, है कि नहीं? तो दैट टाइम लेबल्स अगर डिजाइन करना है देन इस तरह से आप करना पड़ेगा। सो नाउ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, क्लियर? सो सारे क्लियर हो गया, ए भी क्लियर हो गया, ए भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, सब सब हो गया, सब हो गया। यहाँ टू ऑप्शन छोड़ दिए, अरे यहाँ पे टू ऑप्शन छोड़ दिए, जरूरत नहीं है, अरे मैनेज आप करना है, दिस इज द मैनेज, क्लियर ना? वीडियो में अपलोड करूंगा, नो प्रॉब्लम, तो आप देख के